थोड़ा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शंस क्या हैं? आज हम शुरू करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शंस। वी बिगिन बाय एग्जामिनिंग द कनेक्शन बिटवीन द यूक्लिडियन एल्गोरिथम सर एंड द सर एक कंटिन्यूड क्लास फ्रैक्शन एक एक्सप्रेशन क्वेश्चन ऑफ अ रैशनल नंबर। सर इफ एक यू क्लास अप्लाई द एक यूक्लिडियन एल्गोरिथम टू 158 एंड 49, अगर हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगाएं 158 और 49 के दरमियान, तो 158 कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स ऑफ 49 प्लस 11। अगेन 49 कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स 11 प्लस 5, और फिर 11 को लिखा जा सकता है 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 1। अब यहाँ से 158 डिवाइडेड बाय 49, अगर हम करें दोनों तरफ 49 से डिवाइड करें, व्हाट वी विल गेट? 158 बाय 49 इक्वल्स 3 प्लस 11 बाय 49, ये एक्सप्रेशन आ गया। फिर इधर आ गया 49 डिवाइडेड बाय 11, इधर 4 और इधर 5 डिवाइडेड बाय 11। इस इक्वेशन को हमने 11 से डिवाइड किया और इस इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड करेंगे। वी कैन देयर फॉर राइट द रैशनल नंबर 158 बाय 49 इज एज फॉलोज। ये 3 वैसे के वैसे, 11 बाई 49, ये 49 बाई 11, 4 प्लस 5 बाई 11 है, तो 11 बाई 49 इसका रेसिप्रोकल होगा। तो 3 प्लस 11 बाई 49 में 11 बाई 49 की जगह 1 ओवर 4 प्लस 5 बाई 11 लिखा, तो 1 ओवर 4 प्लस 5 बाई 11 को 3 वैसे ही, 5 बाई 11 को हमने यहाँ से फिर रेसिप्रोकल में लिखा 1 ओवर 2 प्लस 1 बाई 5। तो 3 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 बाई 5, ये जो फ्रैक्शन है इसको कहा जाता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। और हम किसी भी फ्रैक्शन को इसमें लिख सकते हैं, इवन किसी भी रियल नंबर की कंटिन्यूड फ्रैक्शन बनाई जा सकती है, डिपेंड्स कि वो फाइनाइट है या इन्फिनिट। अगर हमारे पास रैशनल नंबर है तो वो फाइनाइट फ्रैक्शन होगी। तो यहाँ हमारे पास फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो है, ये इस तरह की जो फ्रैक्शंस होती हैं उनको सिंप्लीफाई करना एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन। एन एक्सप्रेशन ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इस टाइप की जो एक्सप्रेशन है ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, विच वी विल डिनोट बाय 3, 4, 2 एंड 5। ये हम किस तरह डिनोट करते हैं, इसको लिखने का तरीका एक तो ये है जो आपके सामने लिखा हुआ है, 3 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 5। दूसरा तरीका इसका ये है, 3, 4, 2, 5, ये 3, 4, 2 और 5। जब भी इस तरह लिखा होगा तो हम लिखेंगे 3 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 5, ये हम इस तरह लिखेंगे। ये इनकी टर्म्स हैं, द नंबर 3, 4, 2 एंड 5 आर कॉल्ड टर्म्स, आर द पार्शल क्वोशंट्स। इनको टर्म्स कहें या पार्शल क्वोशंट्स कहें, ये लैंग्वेज है इस सब टॉपिक की, टर्म्स पार्शल क्वोशंट्स, ये इसकी टर्मिनोलॉजीज हैं। ये आपको अंडरस्टैंड भी करनी है, समझनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन हमेशा इसी शक्ल में हम लिखें, इस बुक में ये रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है ऑफ द कंटिन्यूड, सिंस दे आर द क्वेश्चंस दैट अकर इन द यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम में, 3, 4, 2, ये क्वेश्चंस जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम में आते हैं। नवीद कोई सवाल करना चाह रहा था, नवीद कोई बात करना चाह रहा था। सर फहीम भाई का ना फैमिली इशू था जिसकी वजह से वो कल परसों प्रॉपर ईमेल नहीं भेज सका, तो आज उसका ईमेल मैंने आपको भेजा है चैट में, तो उन्हें ऐड कर दें ईमेल। जी मैं देखता हूँ, और कोई? बस सर, और सर शराफत को कल और फिर मैसेज कर रहे, अभी भी आ रहे मैसेज, मुझे मेल नहीं आ रहे। जी फिलहाल ज्वाइन करें और बाद में देखेंगे, ईमेल लेक्चर के दौरान तो मैं नहीं कर सकता। डेफिनेटली ठीक है सर, लेट ए नॉट, ए वन, ए टू एंड ए एन बी द रियल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव एक्सेप्ट पॉसिबली ए नॉट, ए नॉट के अलावा बाकी सारे पॉजिटिव हैं। डिफाइन द कंटिन्यूड फ्रैक्शन,
ये हमने कंटिन्यूड फ्रैक्शन डिफाइन की, ए नॉट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है लेकिन बाकी सारे पॉजिटिव हैं। ये एक्सप्रेशन क्या बताती है, हम ए नॉट लिखेंगे प्लस वन ओवर ए वन प्लस वन ओवर ए टू प्लस वन ओवर ए थ्री प्लस वन ओवर ए एन माइनस वन प्लस वन ओवर एन। ये हमने एक सिंपल कंटिन्यूड फाइनाइट फ्रैक्शन लिखी, ठीक है। If each a i is an integer, the continued fraction is called simple. अगर हर नंबर इंटीजर हो तो हम इसको कहेंगे ये एक सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। अगर ये इंटीजर ना हो फिर हम इसको सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है जी थ्योरम, एवरी रैशनल नंबर r, मुझे मैं ये क्लियर कर दूं कि इस चैप्टर में जितने भी थ्योरम्स हैं उनमें मोस्टली का हम प्रूफ नहीं करेंगे, हमें सिर्फ स्टेटमेंट पढ़नी है और उसको फिर इंप्लीमेंट करते वक्त उसको देखना है कि वो किस तरह इंप्लीमेंट हो सकती है। एवरी रैशनल नंबर आर हैज प्रिसाइजली टू फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सप्रेशंस। हर रैशनल नंबर की दो पॉसिबल कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सप्रेशंस हो सकती है, एक्सपेंशंस हो सकती है। व्हेन आर इज एन इंटीजर द रिप्रेजेंटेशंस आर सिर्फ आर इस तरह लिखा जाए या आर माइनस वन इंटू वन लिखा जाए, ये दो किस्म की हमारे पास कंटिन्यूड फ्रैक्शंस हो सकती है एक्सप्रेशन। इफ आर इज नॉट एन इंटीजर, अगर ये इंटीजर नहीं है तो फिर ए नॉट ए वन ए एन टाइप की कंटिन्यूड फ्रैक्शन होगी जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम के जरिए आएगी और ए एन इसमें ग्रेटर देन वन होगा, आखिरी एलिमेंट ग्रेटर देन वन होगा। एंड हेंस द अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर इज, जहाँ ए नॉट ए वन ए एन माइनस वन तक सारा सेम है, यहाँ पे वन आ जाएगा। मीन्स दो किस्म की हमारे पास कंटिन्यूड फ्रैक्शंस रहेंगी जिसमें ये भी पॉसिबल है कि आखिरी एलिमेंट जो है वो वन से ग्रेटर हो और ये भी है कि वन वाली हो। ये दोनों हम रिप्रेजेंटेशंस लिख सकते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। आगे आके क्वेश्चंस में आपको ये थोड़ा क्लियर मजीद होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है, लेट ए नॉट ए वन ए टू सो ऑन बी अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव एक्सेप्ट पॉसिबली ए नॉट। वही बात कि पहला वाला जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो लेकिन बाकी सारे पॉजिटिव। Define sequence p k and q k as follows: p minus 1 is 1, p naught is a naught, q minus 1 is 0, q naught जो है वो 1 है। तो p k के लिए expression है a k p k minus 1 plus p k minus 2। यहाँ हम k को 1 put करेंगे, 2 put करेंगे, 3 put करेंगे, greater than or equal to 1 put करेंगे। q k a k into q k minus 1 plus q k minus 2। ये दो एक्सप्रेशन आपके सामने आ गए। फ्रॉम द डेफिनेशन q1 इज इक्वल टू 1, q0 इज इक्वल टू 1, सिंस a k इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ k ग्रेटर देन ऑर इक्वल टू 1 वी हैव 1 इज इक्वल टू q0, इससे बड़ा q1 होना चाहिए, इससे बड़ा q2 होना चाहिए एंड सो ऑन। तो q का ऑर्डर ये होना चाहिए, ठीक है। पर इस इन पर्टिकुलर q के हमेशा k से बड़ा हो या उसके बराबर हो सकता है फॉर एवरी k। इनफैक्ट The qk grows an exponential rate. It is not hard to show that qk is greater than or equal to 2 power k by 2 if k is greater than or equal to 2. ये हम आगे questions में prove भी करेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ ज़हन में रखें कि हम आगे जाके बताएंगे कि इस definition में जो qk है, वो qk greater than or equal to 2 power k by 2 होता है। Exponentially grow करता है आगे जाके। थोड़ी टर्म्स के बाद जितना जितना के बढ़ाएंगे एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। थ्योरम है जी, लेट ए नॉट ए वन ए टू बी अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर। इस डेफिनेशन को हम बार बार आगे इस्तेमाल करेंगे, यानी हर कंटिन्यूड फ्रैक्शन के लिए जो फाइनाइट ना हो उसके लिए हम दो सीक्वेंसेस बना सकते हैं पी के और क्यू के, जिनकी इनिशियल टर्म्स ये होगी। बी अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स इफ ए नॉट ए वन ए टू सो ऑन बी अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव एक्सेप्ट possibly a naught, then for any positive real number x at any k greater than or equal to 1, हमारे पास ये continued fraction जो है x, ये equal होगी इस fraction के। हम फौरन अगर ढूंढना चाहें कि हमारे पास वो कौन सी fraction है जिसकी continued fraction ये है, तो ये theorem हमें help कर सकता है। किस तरह x into pk minus 1 plus pk minus 2 divided by x into qk minus 1 plus qk minus 2, ये अगर फ्रैक्शन में निकालूं तो ये इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन का आंसर होगा। यानी अगर आपको कंटिन्यूड फ्रैक्शन गिवन है तो किस तरह आप फौरन बताएंगे कि ये
किस फ्रैक्शन की कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, ठीक है। इन पर्टिकुलर आप ये भी कह सकते हैं कि ए नॉट ए वन ए टू ए के इज इक्वल्स टू पी के ओवर क्यू के, क्योंकि बाय फार्मूला ये जो चीज़ है ये पी के इक्वल है और ये जो चीज़ है ये क्यू के इक्वल है। तो यहाँ पे ऊपर पी के लिखा हुआ और नीचे क्यू के लिखा। द नंबर सी के वेयर के लेस आर इक्वल टू एन इज कॉल्ड द kth कन्वर्जेंट ऑफ द कंटिन्यूड फ्रैक्शन दिस। दस बाय 9.4 सी के हमारे पास पी के ओवर क्यू के। अब इस चीज को हमने अप्लाई कैसे करना है, थ्योरम को हमने अप्लाई कैसे करना है, ये देखिए आपके पास माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर ये के है। अब ए के पी के और क्यू के आपने निकालना है। कितनी टर्म्स है हमारे पास, एक दो तीन चार पाँच, के आपके पास फाइव है, एक दो तीन चार पाँच, तो के की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास फोर आ रही है, ठीक है जी। अब ए के हमारे पास पहली वैल्यू माइनस वन वाली वैल्यू तो है नहीं, तो पहला ए के ए नॉट क्या है माइनस फोर, वो उसने लिखा। फिर ए वन टू है, फिर ए टू थ्री है, फिर ए थ्री वन है, फिर ए फोर टू है, ये ए की वैल्यूज आ गई यहाँ से कंटिन्यूड फ्रैक्शन। पी के आप कैसे निकालेंगे, ये जो फॉर्मूला आपको गिवन था ऊपर इसके जरिए आप पी के निकालें। एक्स मीन्स आखिरी वैल्यू, उस टू को यूज करेंगे इस फॉर्मूले में, यहाँ टू आ जाएगा इंटू पी के माइनस वन विच इज माइनस वन और जीरो की वैल्यू गिवन विच इज वन, इसको पुट करेंगे टू को पुट करेंगे और ये वैल्यू आप निकाल लेंगे पी वन की माइनस सेवन, फिर माइनस 25 माइनस 32 माइनस 89 ये आप निकालेंगे इससे ऊपर वाले एक्सप्रेशन से, और इसी तरह क्यू की वैल्यूज आप निकालेंगे नीचे वाले एक्सप्रेशन से। क्यू के क्या है 25 और पी के क्या है माइनस 89, ये दो वैल्यूज हमें काम आएंगी। दिस डिवाइडेड बाई दिस टाइप की कोई एक्सप्रेशन होगी तो इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन का आंसर होगा। तो वो बता रहा है कि माइनस 89 डिवाइडेड बाई 25 टाइप की जो एक्सप्रेशन है वो इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन का आंसर होगी। प्लीज क्वेश्चन करें, तमाम स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन करना चाहे करें प्लीज। ये बेटे अगर हम दोबारा वापस जाएं यहाँ से देखें तो उसने आपको k की वैल्यूज क्या दी है, k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, हाँ या ना? अच्छा अब k माइनस वन और k जीरो की तो उसने आंसर पहले से दिए हुए, फार्मूला किसके लिए लिखा है वो k जो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है। कैलकुलेशन हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है, जब k ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है, लेकिन यहाँ k माइनस वन और k जीरो के लिए भी वैल्यूज दी हुई है, तो k हो क्या सकता है माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर अप टू सो ऑन जब तक कंटिन्यूड फ्रैक्शन चल रही है। हमारे पास क्वेश्चन में कंटिन्यूड फ्रैक्शन में k माइनस वन और जीरो ट्रिवली होगा, हम स्टार्ट लेंगे वन टू थ्री फोर से, कितनी टर्म्स है, एक दो तीन चार पाँच, ये है ए नॉट, इसमें k की वैल्यू जीरो है, इसमें k की वैल्यू वन है, इसमें टू है, थ्री है और ये फोर है, तो मैक्सिमम k की वैल्यू फोर जाएगी। स्टार्ट कहाँ से होगी, जीरो से, और माइनस वन की वन वैल्यू है आपको डेफिनेशन के अंदर ही, ठीक है। तो k माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर होगा इस क्वेश्चन के लिए। जी कोई सवाल है, पहले बताओ k वाली समझ आ गई कि नहीं, k की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ क्या आपको k वाली वैल्यू समझ आई। डॉक्टर साहब आ जाए, आ गई समझ आपको, k वाली बात समझ आ गई। एक मिनट आप लोग होल्ड करें, मैं आपसे बात करूं, एक मिनट होल्ड। जी क्लियर हुआ आपको k वाली वैल्यू, यस सर। ओके अब कंटिन्यूड फ्रैक्शन में पहली टर्म होती थी a नॉट, दूसरी टर्म ए वन, तीसरी ए टू, ए थ्री, ए फोर, ऐसा ही है। तो यहाँ देखें ए के के सामने उसने ए नॉट माइनस फोर लिया, ए वन टू लिया, ए टू थ्री लिया, ए थ्री वन लिया और ए फोर टू लिया,
क्लियर है। नेक्स्ट पीके, पीके कहाँ से निकालेगा वो, पीके की वैल्यू निकालेगा बेटे इस एक्सप्रेशन से, एक्स इंटू या ऊपर डेफिनेशन में आप ए के इंटू पी के माइनस वन प्लस पी के माइनस टू, इसमें के को वन पुट करेगा तो ए क्या आएगा, इसमें के को वन पुट करें ए वन पी पी जीरो प्लस पी माइनस वन, ए वन पी जीरो और पी माइनस वन को इस तरह ऐड करना है, ए वन और पी जीरो को मल्टीप्लाई करना है और उसमें p माइनस वन ऐड करना है। तो a1 क्या है, तो a1 को p1 से मल्टीप्लाई करना है, वो माइनस सेवन है माइनस फोर्टीन हो गया, इनको मल्टीप्लाई करना है और ऐड क्या करना है p माइनस वन, ये वन ऐड करना है ऐसे ही। आपको समझ आ रही है या अब भी नहीं आ रही? बेटे टू को माइनस फोर से मल्टीप्लाई करें, माइनस एट माइनस एट प्लस वन करें, ये माइनस सेवन आ गया, पी वन माइनस सेवन आ गया। अब अगर आपने पी टू निकालना है तो पी टू का फार्मूला होगा ए टू मल्टीप्लाई बाय पी वन प्लस पी नॉट, सेवन थ्री इज 21 माइनस का, और 21 में माइनस फोर ऐड करे तो माइनस 25, तो ये उस फार्मूले से आता जाएगा जो आपने डेफिनेशन में पढ़ा। क्यू के भी उसी तरह फार्मूले से निकलेगा। अब आपके पास एंड पे आखिरी जगह पे तीन वैल्यूज है, एक है ए के की, एक है पी के की और एक है क्यू के, ए फोर पी फोर और क्यू फोर। तो आपके पास कंटिन्यूड फ्रैक्शन का आंसर होगा बाय दिस थ्योरम पी फोर ओवर क्यू फोर। तो पी फोर क्या है माइनस 89 और क्यू फोर क्या है 25, तो माइनस 89 ओवर 25 ये आपके पास सॉल्यूशन है इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन का। यानी कोई आपको ये फ्रैक्शन दे दे और पूछे कि इसका आंसर क्या आएगा, तो आप उसको कैसे निकालेंगे, इस टेबल को आप कैलकुलेट करेंगे इनिशियल कंडीशन लेके, और फिर आपके पास जो आखिरी वैल्यूज आएंगी दो उनकी फ्रैक्शन जो होगी वो इसका आंसर होगा कंटिन्यूड फ्रैक्शन। क्लियर हुआ? जी सर। सबको क्लियर हो गया? जी सर। चले, एक थ्योरम ये है, ये बार बार यूज होगा जब हम जनरलाइज को प्रूफ करेंगे। इक्वेशन पी के इंटू क्यू के माइनस वन माइनस पी के माइनस वन इंटू क्यू के इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस वन पावर के माइनस वन। तो अगर के इवन है तो इसका आंसर माइनस वन आएगा, और अगर के ऑड है तो इसका आंसर वन आएगा। इस एक्सप्रेशन का होल्ड्स फॉर एवरी के ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो, इन पर्टिकुलर पी के और क्यू के रिलेटिवली प्राइम है। ये बात करने का मकसद क्या है कि पी के और क्यू के जो है वो रिलेटिवली प्राइम होते हैं। ये उसने आगे प्रूफ दिया है शॉर्ट सा, द प्रूफ इज बाय इंडक्शन। फर्ज करें के जीरो है, अगर के जीरो है तो हम क्या है, द रिजल्ट इज क्लियर फॉर के इज इक्वल टू जीरो, पी जीरो क्यू माइनस वन पी माइनस वन और क्यू जीरो, ये अगर हम वैल्यूज गिवन है हमें थ्योरम और डेफिनेशन में वो अगर हम पुट करें हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा माइनस वन, इसलिए के जीरो के लिए तो ये प्रूफ क्लियर है। फर्ज करें ये प्रूफ के लिए ट्रू है लेकिन हमें नहीं मालूम कि ये के प्लस वन के लिए ट्रू है या नहीं, वो हम चेक करेंगे। के लिए अगर ट्रू है तो ये वाली जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है ये ट्रू हमने सपोज कर ली, और हम अगली टर्म के लिए प्रूव करने जा रहे हैं कि के प्लस वन के लिए ट्रू है या नहीं। तो जहां जहां के है वहां के प्लस वन आ गया। इसको हमने कैसे लिखा, पी के प्लस वन को हमने पुट किया फार्मूला ए के प्लस वन पी के प्लस पी के माइनस वन क्यू के वैसे के वैसे रहा माइनस पी के वैसे लिखा रहा, और क्यू के प्लस वन को हमने एक्सपेंड किया बाय फॉर्मूला। इसमें भी ए के प्लस वन क्यू के और आगे क्यू के माइनस वन आ गया। अब ये जो है ना ए के प्लस वन क्यू के और पी के ये कैंसिल हो जाएंगे इसके साथ, बाकी क्या रहेगा, बाकी रहेगा आपके पास पी के माइनस वन इंटू क्यू के, और बाकी रहेगा आपके पास माइनस क्यू के माइनस वन इंटू पी के।
तो पी के क्यू के माइनस वन, ये माइनस का था, इसमें से माइनस कॉमन लिया और इसके साथ प्लस था तो माइनस साइन आ गया। पी के माइनस वन क्यू के वैसे के वैसे आ गया, ये माइनस साइन आ। अब ये जो एक्सप्रेशन है अंदर, ये बिल्कुल वही एक्सप्रेशन है जो हमें गिवन है, हमने अस्यूम किया हुआ कि ये स्टेटमेंट के लिए ट्रू है। इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस वन पावर के माइनस वन, बाहर एक माइनस है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस वन पावर के। ये स्टेटमेंट के लिए भी ट्रू है, इट मीन्स अगर के लिए ट्रू है तो के प्लस वन के लिए ट्रू, तो जीरो के लिए ट्रू है तो जीरो प्लस वन वन के लिए भी ट्रू होगी, वन के लिए ट्रू है तो वन प्लस वन टू के लिए भी ट्रू होगी, टू के लिए ट्रू है तो टू प्लस वन थ्री के लिए भी ट्रू होगी, सो ऑन। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट फॉर ऑल के ट्रू है। थ्योरम समझ आया? ओके, ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो है इसका टॉपिक फिलहाल मैं यहाँ रुकता हूँ। ये चैप्टर 9 है कंटिन्यूड फ्रैक्शन का। आपने ये क्रॉलरी और थ्योरम ये जो मैंने दिया है ये एज असाइनमेंट मुझे करके देना है, इसको आपने पूरी डिटेल के साथ इसका प्रूफ भी करना है। ये जो थ्योरम 9.7 है इसका प्रूफ भी आप लोगों ने करना है, ये एग्जाम में आ सकता है। इसी तरह 9.8 और 9.9 ये थ्योरम आपकी असाइनमेंट है, ये आपने मुझे कल तक सबमिट करवानी है। वो किसका प्रूफ गिवन है, सोल्यूशन गिवन है, सब कुछ गिवन है, बट आपने इसको एलेबोरेट करके डिटेल से बताना है कि कौन से स्टेप पे क्या क्या कैलकुलेशन अभी मिसिंग थी, वो आप करेंगे सारी कैलकुलेशन डिटेल में लिख के मुझे इसका सोल्यूशन देंगे। ठीक है, अब अगला लेक्चर हमारा होगा कि एप्लीकेशन इसकी क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये जो डॉफेंटाइन इक्वेशन हमने पढ़ी थी इसके सोल्यूशन के लिए इसका क्या किरदार है कंटिन्यूड फ्रैक्शन का, ये कैसे हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। हम सोल्यूशन तो पहले भी निकाल रहे हैं तो इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन से हम कैसे सोल्यूशन निकालेंगे, ये हमारा अगला टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर का। ठीक है, और अगला उससे आगे हम पढ़ेंगे इन्फिनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ये हमारा फाइनल टॉपिक होगा इन्फिनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इसके बाद हमारा कोर्स एंड हो जाएगा, हम आगे नहीं जाएंगे इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, द इन्फिनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन ऑफ एन इरेशनल नंबर जो अलग अलग डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम इन्फिनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। ये दो टॉपिक बेटे आपके पास किए और दो लेक्चर आपके पास किए। ठीक है, ओके जी सर। सर बच्चे